लुक फेसिंग फेसिंग कहाँ मिल रहा है देखो जल्दी से फेसिंग वेयर ऑल वी आर गेटिंग योर इज राहुल इज फेसिंग सेंटर. अब ये राहुल इज फेसिंग सेंटर, राहुल इज फेसिंग सेंटर ये मुझे मिल गया है. राहुल इज फेसिंग सेंटर, नैना इज ऑपोजिट टू राहुल, नैना इज ऑपोजिट टू राहुल, नैना इज एन एमबीए, नैना एमबीए है, राहुल फेसिंग सेंटर है, नैना उसके ऑपोजिट है. जब दो गिरेंगे जरूरत गिरेंगे अपन ले लेंगे जब ट्रायल के लिए, डरने की जरूरत नहीं है ना. नेक्स्ट पार्ट आगे क्या लिया है, देर इज अ पेयर ऑफ एमबीए विच इज ऑपोजिट टू इच अदर. सुनो एक एमबीए ऑपोजिट है, ऐसे भी हो सकता है कहीं दूसरे दो एमबीए भी हो सकते हैं, जंप मत करो बिठाने के लिए, समझ में आ गया है. सारे एमबीए ऑपोजिट नहीं है, एक पेयर ऑपोजिट है, बाद में देख लेंगे. क्या दिया है, एक और क्लू है, देखो देखो जल्दी जल्दी से. द पर्सन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ नैना, नैना के सेकंड टू द राइट एमबीए है. अब डिपेंड्स नैना किधर देखती है, नैना इधर देखेगी तो ये एमबीए आएगा, नैना ऐसे देखेगी तो ये एमबीए आएगा, अभी तक मुझे पता नहीं. ठीक है ना, सुन लो, हर स्ट्रीम के कम से कम दो लोग हैं, तिया है, मेरे पास तीन इंजीनियर्स है, टोटल आठ लोग हैं, तो चार एमबीए नहीं हो सकते, समझ में आ रहा है. तीन इंजीनियर्स हो गए तो पांच ही लोग बचे, कम से कम दो भी डॉक्टर लिए, तो ऐसे एक तो एमबीए ऑपोजिट आएगा या फिर ऐसे एमबीए ऑपोजिट आएगा, समझ में आ रही है बात. तो एमबीए तीन ही होने चाहिए, लेकिन एमबीए कौन होंगे तीन और दो डॉक्टर, कौन एमबीए कैसे आएंगे, एक तो ये ऑपोजिट आएंगे या ये ऑपोजिट आएंगे. अब जल्दी से देखो, ये तीन एमबीएस मुझे लाने हैं. एक इंजीनियर का क्लू है, इंजीनियर आजू बाजू में नहीं है, देखो इंजीनियर्स आर नॉट आजू बाजू में, देर आर थ्री इंजीनियर्स, ठीक है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ राहुल. हो गया क्वेश्चन खत्म, राहुल के आजू बाजू में इंजीनियर्स नहीं. सुनो एमबीए इंजीनियर नहीं, ये दोनों इंजीनियर हो सकते हैं क्या, बोलो जल्दी से, ये दोनों इंजीनियर नहीं हो सकते हैं क्योंकि इंजीनियर्स आजू बाजू में नहीं है. अब अगर मैं इसको इंजीनियर ना लू, इफ आई से कि दिस इज नॉट इंजीनियर, ये तीन लोग इंजीनियर ले नहीं सकते हैं, मतलब ये गारंटेड इंजीनियर होना चाहिए. समझ जाओ तीन इंजीनियर है आजू बाजू में नहीं है, इफ आई से ये इंजीनियर नहीं है, इफ आई से ये इंजीनियर नहीं है, ये तीनों इंजीनियर लेने पड़ते हैं, ये दोनों तो है नहीं, इंजीनियर आजू बाजू में जमते नहीं. अब इफ आई से ये राहुल इंजीनियर नहीं है तो ये दोनों आजू बाजू में आ जाते हैं, नहीं जमता है, मीन्स राहुल हैज टू बी ए इंजीनियर, और इन दोनों में से कोई तो भी एक इंजीनियर. बट अ पेयर ऑफ एम बी एज उल्टा चाहिए ऑपोजिट, ये तो नहीं आ रहा है, तो ये एम बी ए ऑपोजिट. और ये केस ली जाए एमबीए, राहुल के बाजू में इंजीनियर्स नहीं बैठे हैं, राहुल के बाजू में इंजीनियर्स नहीं है, इसको इंजीनियर नहीं लिया, तो ये दो ही इंजीनियर आ सकते हैं, ये तीन लाने हैं, सो मतलब ये इंजीनियर लेना ही पड़ेगा, दिस हैज टू बी इंजीनियर, बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी इंजीनियर्स, सो राहुल हैज टू बी इंजीनियर एंड इन दोनों में से कोई भी. लेकिन क्लू क्या है, एमबीए के ऑपोजिट एमबीए, ये तो आ नहीं रहा, एक पेयर, सो ये एमबीए और ये इंजीनियर. देखेंगे नैना का सिटिंग पोजीशन क्या है, उस पर डिसाइड हो जाएगा, एमबीए इंजीनियर्स और इंजीनियर्स, ये तो अपने को मिल गया है. तो अब ये तीन इंजीनियर्स हो गए, तीन इंजीनियर्स, तीन एमबीएस, कम से कम दो तो डॉक्टर चाहिए, तो ये भी डॉक्टर और ये भी डॉक्टर, दोनों भी हो गए डॉक्टर. अब ये दोनों ले लेते हैं, ये भी डॉक्टर और ये भी डॉक्टर, देख लो जल्दी से. अब कौन कहाँ बैठता है यही निकालना है,
फेसिंग पता नहीं है। सुनो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, आकाश और मोहन आजू बाजू में है। देखो आकाश मोहन गोपाल, आकाश बीच में है, बराबर है, आकाश मोहन गोपाल आजू बाजू में है। देख लो क्लूज पढ़ते जाओ, सचिन मोहन नहीं, आकाश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। लेकिन आकाश क्या पढ़ाई नहीं करता है, आकाश इंजीनियरिंग भी नहीं और मेडिकल भी नहीं। अब आकाश इंजीनियरिंग भी नहीं और मेडिकल भी नहीं, क्या रहेगा आकाश? आकाश रहेगा इंजीनियरिंग भी नहीं और डॉक्टर भी नहीं, तो क्या रहेगा? एमबीए। एंड आकाश इज सेकेंड टू द, बोलो बोलो जल्दी से, सेकेंड टू द राइट ऑफ इंजीनियरिंग। देखो आकाश मुझे एमबीए चाहिए, इसको लो तो सेकेंड टू द राइट ऑफ क्या एमबीए इंजीनियरिंग आएगा क्या? नहीं। तो आकाश हैज टू बी हियर, आकाश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ इंजीनियरिंग। और ऐसा केस हो जाए आकाश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ इंजीनियरिंग, आकाश क्या करेगा? एमबीए। आकाश एमबीए चाहिए क्योंकि बचे हुए दोनों नहीं, आकाश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ इंजीनियरिंग। अब आकाश के नेबर्स कौन है? गोपाल मोहन। आकाश के नेबर्स गोपाल मोहन है, लेकिन दिया है गोपाल इज ऑपोजिट टू राजेश हु इज मेडिकल। अगर ये केस है, गोपाल इज ऑपोजिट टू राजेश हु इज अ मेडिकल, गोपाल इज ऑपोजिट टू राजेश हु इज अ मेडिकल, क्योंकि आकाश के नेबर्स गोपाल और मोहन है, लेकिन गोपाल इज ऑपोजिट टू डॉक्टर। आकाश के नेबर्स गोपाल और मोहन, गोपाल इज ऑपोजिट टू डॉक्टर हु इज अ राजेश, सॉरी गोपाल इज ऑपोजिट टू राजेश हु इज अ डॉक्टर ना। तो गोपाल आकाश और मोहन आजू बाजू में है, गोपाल और मोहन नेबर्स है उसके, तो ये क्या हो गया? मोहन। और इस केस में सॉरी ये उधर का है और ये क्या हो गया? मोहन। बाद में सब आ जाएगा, डोंट वरी, इट्स क्लम्सी बट होगा ही, लेंथी क्वेश्चन टाइप है। क्या क्या मिल गया है? गोपाल, नैना, आकाश, मोहन, राहुल, राजेश, ये दो लोग बच गए हैं। देखते हैं और क्या आता है, सब आ जाएगा, फेसिंग भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। चार पर्सन बाहर देख रहे हैं, चार अंदर, इसका बाद में यूज हो जाएगा ना। क्या दिया है? सुरेश सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राजेश, सुरेश सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राजेश। अगर ये केस है, सुरेश सेकंड टू द लेफ्ट, यहां तो मोहन है, सुरेश सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राजेश, तो राजेश ऐसा लेना पड़ेगा और सुरेश ऐसा, ये केस में। और नहीं तो ये केस में सुरेश सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राजेश, राजेश यहां है तो सुरेश सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राजेश, सुरेश सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राजेश हो गए, सुरेश सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राजेश। आगे सचिन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुरेश एंड फेसेस, अब देखो सचिन का क्या दिया है, सचिन के लिए एक ही जगह बचती है, कौन सी सचिन के लिए बच गई है? और दिया है सचिन इज व्हाट? सचिन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोहन, तो मोहन को ऐसे ही देखना पड़ेगा तभी वो थर्ड टू द लेफ्ट आएगा। सॉरी अगेन यही, सचिन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोहन, सचिन यही आएगा, मोहन ऐसे ही देखेगा, ठीक है। सुना व्हाट ऑल वी हैव गॉट? अभी तक अपने को फेसिंग नहीं पता है, किड्स देखते रहो, फेसिंग टू सेंटर तीन मिल चुके हैं, आ जाएगा सभी आंसर आ जाएगा। इस केस में फेसिंग टू द सेंटर चार हो गए, सुन लो क्या गड़बड़ होएगा, जल्दी से देखो। अगर मैं नैना सेंटर लू, ये तीन सेंटर आ चुके हैं, तीन और एक चार, और देखो जल्दी से देखो क्या दिया है, सचिन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुरेश, सचिन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुरेश, सचिन लेफ्ट है तो सुरेश को ऐसे ही बिठाना पड़ेगा, सचिन इज लेफ्ट ऑफ सुरेश, इधर राइट इधर लेफ्ट, बट फेसेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ सुरेश, तो अब सेंटर वाले पांच हो जाएंगे, कितने दिए है बोलो, एक
दो तीन चार पांच, मुझे चार ही लोग सेंटर चाहिए, इसीलिए सचिन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुरेश, सुरेश ने इधर देखा, सचिन उल्टा देखता है, सेंटर वाले आ गए कितने, चार, कितने आ गए, चार, ये चार सेंटर वाले आ गए हैं, 1 2 3 4, चार सेंटर, तो मुझे चाहिए बाहर चार। लेंथी है, बट दैट्स व्हाट फन इज ऑल अबाउट, टफर देन द टफेस्ट, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग।